अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर्स की तैयारी के लिए जो सीरीज शुरू कर रखी है, ये वीडियो भी उसी सिलसिले में बनाई जा रही है। हम जो है वो कवर कर रहे हैं कंप्यूटर पोर्शन को। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने एमएस वर्ड के पोर्शन को देखा था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन और पेपर की नीयत से वो कितने अहम हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं लिया जो एमएस वर्ड से रिलेटेड था, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप उसको जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए हम जो ऑप्शन यूज करते हैं वो इंसर्ट मेन्यू में जाके हम न्यू स्लाइड के बटन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर एन अदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस, तो इसके लिए हम टैब का बटन प्रेस करते हैं एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को और इस तरह नेक्स्ट हाइपरलिंक्स पे जाने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज, तो ये स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, टीचर्स भी यूज करते हैं नोट्स आउटलाइंस के लिए और कम्युनिकेशन प्लानिंग के लिए भी ये यूज होती है। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, तो इनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, तो इसको ड्रैगिंग करना कहते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस By adding a background image to all slides, तो ये सारी जो है वो editing हम slide master में करते हैं। slide master में हम जो भी edit करते हैं वो पूरी presentation पे apply हो जाता है। Which types of fonts are best suitable for titles and headlines? तो titles और headlines जो है उनके ऊपर जो best suitable fonts हैं वो सान सारे fonts होते हैं। जो अगला हमारा question है वो ये है कि Which type of font is best suitable for large amount of text? तो large amount of text के लिए हमारा suitable font होता है सारे fonts। Which of the following can you use to add times to the slides in a presentation? ये जो है अपनी presentation में हम time भी add कर सकते हैं कि एक slide के बाद दूसरी slide के आने में कितना duration होगा, तो इसको हम add कर सकते हैं rehearse timing button से। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ जो हैं उनके बारे में जो है बर वक्त अपडेट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट यूज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PPSC में पहले भी पूछा जा चुका है और हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो प्रेजेंटेशन व्यू है। ए प्रेजेंटेशन व्यू जो है इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यूज। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ये स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करने के लिए बेस्ट वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एस्केप की एक ऐसी है जो स्लाइड शो को ख़त्म कर देती है बजाय इसे एडवांस करने के लिए। बाकी स्पेस बार, एंटर की और माउस बटन जो होते हैं ये हमारी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो को मूव ऑन करते हैं, एडवांस करते हैं। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, हम डबल क्लिक करने से जो चार्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक करने से हम अपने चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। Which of the following is not a part of slide design? तो व्यूअर, स्लाइड लेआउट ऐसा ऑप्शन है जो स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता। डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम और एनिमेशन स्कीम जो है वो स्लाइड डिज़ाइन के पार्ट में आती है। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एसेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट, तो इसको व्यूअर्स हम इन
जर्ट की मेन्यू से इनको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं जो इन जर्ट के मेन्यू में अवेलेबल होते हैं। Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides in a presentation? तो ये हमारा जो है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम अपनी ऑल स्लाइड्स जो हैं उनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। इसको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं, जिनमें जो हमारी स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें टेक्स्ट जो है वो लिखा जाता है, जिनमें टेक्स्ट को होल्ड करते हैं। इसमें जो है वो कन्फ्यूजन ऑप्शन में रहती है कि कुछ लोग इसको टेक्स्ट होल्डर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो प्लेस होल्डर का है। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे होते हैं तो अगर हमें शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाना, तो कंट्रोल होम की शॉर्टकट की यूज करके हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपनी लास्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल एंड की को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो अपनी लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच शॉर्टकट की इंसर्ट एंड न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। तो व्यूअर्स, ये कंट्रोल एम है, कंट्रोल एम की को प्रेस करके हम एक न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर औकात एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है या उसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर होंगे और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप Facebook पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और Twitter पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।